हेलो फ्रेंड्स, ये है पत्ती की खाद जो हम जमा करते हैं पतझड़ के दौरान या अपने बगीचे में जो पत्ते झड़ते हैं डिजीज रहित, जिसमें बीमारी ना हो, वो हम इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उनको इस तरह से कंपोस्ट में तब्दील कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ये टाइम लगता है थोड़ा, 5-6 महीने में जाके ये इस तरह से बिल्कुल कंपोस्ट हो जाते हैं। और कितनी बढ़िया, देखिए जो हम लोग को मार्केट में भी इतनी अच्छी पत्ती की खाद, बिल्कुल जेन्युइन, कुछ भी इसमें मिला हुआ नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, और पूरा ये ऑर्गेनिक मैटर होने से अगर आप इसको अपने सॉइल में मिक्स करते हैं, गमलों की जब मिट्टी तैयार करते हैं उसमें मिक्स करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर होने से इसमें नमी बराबर बनी रहती है। जैसे गर्मी बहुत आने वाली है तो ऑर्गेनिक मैटर होने से इसमें वाटर रिटेंशन अच्छा बना रहता है और आपकी मिट्टी जो है वो जल्दी सूखती नहीं है। मिट्टी नहीं सूखती है तो आपके पौधे भी जल्दी सूखते नहीं हैं, उनकी जड़ें नमी से गीली बनी रहती हैं। ये देखिए इधर, ये 2 कट्टे और हैं, अभी इनमें हम भर के रख लेते हैं। आपको मैं खोल के दिखाऊं, ये देखिए ये है। अब माली जी इसको अगली बार आएंगे तो ठीक करेंगे, थोड़ा इसको हाथ से हमें क्रश करना पड़ता है, तो ये भी तैयार हो जाएगी। और इस तरह से आपके घर में आपकी अपनी पत्ती की खाद खूब अच्छी तैयार हो जाती है। ये 1 कट्टा भर गया है, दूसरा तैयार है और अभी ये 2 और बचे हुए हैं। तो अपने बगीचे के पत्तों को बिल्कुल भी मत फेंकिए, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको इकट्ठा करिए। पहले मैंने आपको बताया था किचन वेस्ट की कैसे हम लोग कंपोस्ट तैयार करते हैं, और ये है कैसे हम पत्तियों की तैयार करते हैं।